मम्मी ना खुजली मची रहती है। एक तो मैंने भूत देख लिया, क्या जरूरत थी उस लड़की के सामने जाने की और छाती चौड़ी करने की। हाँ चले गए उसके सामने। अरे बेकार का शक पैदा कर दिया आपने, बेकार का। अरे हमारा अनुमान थोड़ा सा इधर उधर हो गया और कुछ नहीं। थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो गया। हाँ हमें तो लगा कि शुभ की मौत के बाद दरी सी रहेगी, सहमी सी रहेगी, लेकिन वो लड़की एक चट्टान है, चट्टान। भागी भागी क्यों आ रही हो? सच में मरना चाहती हो क्या, ताकि तुम्हें झूठ ना बोलना पड़े? फिर से वही बात। ठीक है शुभ सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। एक्चुअली मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि गाड़ी में बॉम्ब किसने प्लान किया था। कौन है वहाँ? वही जिसने मुझे गांव में चलाने की कोशिश की थी। नाम शगुन? आपके फूफा जी। फूफा जी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुमने सोचा भी कैसे उन पे इल्जाम लगाने के बारे में? अरे मेरे फूफा है वो, मेरा परिवार है। समझ सकती हूँ सर, पर कभी कभी अपने ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। घर में एक और दिन रहने दिया ना तो वो चट्टान हमारे सर पे गिर के हमें कुचल देगा। आज से तुम शगुन की जिंदगी में इतनी मुसीबतें भरतोगी, तुम उसे एक ऐसा रूप दिखाओगी अपना कि वो इस घर को छोड़ के भागने पर मजबूर हो जाए। और अम्मा जी? अम्मा जी का क्या भाई साहब? अम्मा जी को हम वो दिखाएंगे जो हम दिखाना चाहते हैं। वो वैसे भी शगुन से बहुत नाराज है। खुद ही सोचिए कि जब जब आप पे हमला हुआ है, फूफा जी हर जगह मौजूद कैसे हो सकते हैं? चाहे वो नव्या की बर्थडे पार्टी हो, चाहे हमारे घर की। और तो और, जब आप उस चलते हुए कमरे में मुझे अकेला छोड़ आए थे, वहां पर भी फूफा जी मौजूद थे। कैसे सर, आप खुद ही सोचिए। तो तुम्हारा मतलब है कि मेरे फूफा जिन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, वो मुझे आज मारना चाहते हैं? कल को तो तुम ये भी कह दोगी कि मेरी दादी भी मुझे मारना चाहती। नहीं सर, मैंने तो समझा, परिवार में फूट डालना चाहते हैं तुम, ताकि नव्य और युग को यहाँ से ले जाना तुम्हारे लिए आसान हो जाए। तुम नहीं सुधरोगी। अब गलत सोच रही हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैंने आपसे जो भी कहा हो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि घर का भेदी ही लंका ढाका है। I'm sorry, आपको ये सब कुछ मेरे मुंह से सुनना पड़ रहा है, पर सर अगर अगर आपको विश्वास है कि आपके फूफा जी बेकसूर हैं, तो एक बार उन्हें आजमा के देख लेते हैं, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। कनिका को मैं संभाल लूंगा, लेकिन बिंदिया जी, आज से शगुन को इस घर से भगाने की जिम्मेदारी आपकी। जी भाई साहब, अब देखिएगा बिंदिया का जादू।
ठीक है, अगर ऐसी बात है तो दोनों मिलके पता लगाते हैं। लेकिन आई एम श्योर कि तुम गलत साबित होगी। डर लग रहा है इतने सुनसान रास्ते में, भूत आ गया तो। जय सियाराम, जय सियाराम। बिंदिया चुप कर जाओ, घर पहुंचने वाले। भूत पिशाच की ये बकवास अम्माया जीजी के सामने फिर से शुरू मत करना। कुछ बोलते हो? तेज चलाओ भाई साहब। बस करो यार। ये क्या? 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 रास्ते के बीच में ऐसे पार्क करके खड़ा है जैसे बाप का रास्ता है। वो तो नहीं है उसमें। भाई भाई साहब, ये गाड़ी हमारी। क्या शांत रहो। अरे हमारी तरफ आ रही है गाड़ी, शांत कह रहा हूँ। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? अरे भाई साहब हॉर्न बजाइए। शांत रहो बिंदिया। भाई साहब कुछ कर रहा है। हॉर्न बजाइए। अरे हमारे ऊपर क्यों आ रही है? गाड़ी चला रही है। भाई साहब कुछ किया? भाई साहब ध्यान से। मैंने शुभ को देखा। अरे भाई साहब कोई नहीं है। मैंने बोला था ना शुभ को बोलते। भाई साहब मैंने आपको बोला था ना जो आप ही शुरू हो गए कुछ सोच के बोलिए। चुप करिए बिल्कुल। भाई साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। भाई साहब मैंने कहा था ना उसकी आत्म तकलीफ में। चलिए घर, मैं कह रहा हूँ चलिए चलिए भाई साहब चलिए चलिए चलिए। शुभ सर इस बार तो कुछ पता नहीं लगा पाए, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए प्लीज। क्यों क्यों बेतुकी की बात साबित करना चाहती हो? क्योंकि मैं श्योर होना चाहती हूँ। मैं आपकी जान के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर आप कुछ हो गया तो दिखावे का रिश्ता है ना हमारा, तो क्यों इतनी चिंता कर रही? तुम कौन सा मुझसे प्यार करती हो? एक मौका तो, क्या पता मजबूरी का रिश्ता मंजूरी में बदल जाए। बोलोगी कुछ? चुप क्यों हो? चुना शगुन, कभी कभी तुम मुझे बहुत पेचीदा लगती हो। समझ में नहीं आता कि क्या। छोड़ो चलो चले।
बारिश की पहली बूंद जब चेहरे पे गिरती है तो पता है कितना मजा आता है, कितना सुकून मिलता है। मुझे ना अपना बचपन याद आ गया। आपको पता है जब मैं छोटी थी ना, तब मैं, युग, अजोबा, हम सब कश्ती बनाते थे और रेस लगाते थे, और उस रेस में मैं हमेशा हार जाती थी। तो मुझे मनाने के लिए काकू हमेशा मेरे लिए पकौड़े बनाते थे और एक्स्ट्रा पकौड़े हमेशा मुझे ही मिलते थे। बहुत मजा आता था और कितना मजा आ रहा है। जिंदगी में आसपास क्या हो रहा है? कहाँ खड़े हम, कहाँ खड़ा है हमारा परिवार? मेरा परिवार इतने मुश्किल में है, इतने दर्द में है, और तुम उन पे इल्जाम लगा रही हो। उसके बाद तुम बारिश एंजॉय कर रही हो, बारिश में नहा रही हो। पकौड़े याद आ रहे, अपना बचपन याद आ रहा है। ये जो ढीले हाँकती हो ना, ये संस्कार, रिश्ते, नाते, इनमें से एक भी चीज नहीं है तुम्हें। सिर्फ पक पक करना आता तुम्हें, बारिश एंजॉय करनी है ना तुम्हें, तो करो। लेकिन ध्यान रहे, कहीं इसमें तुम्हारा असली ढोंगी रंग ना उतर जाए। तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी। तुमसे ही हूँ मैं, मुझसे तुम, दम दर रम दम दर रर रम दर रम दम। चढ़े आ चढ़े आ रंग तेरा चढ़े आ, चढ़े आ चढ़े आ रंग तेरा चढ़े आ, डोर तू पतंग मैं बनू, उड़ चले माहिया संग तेरे माहिया, माझा तेरा मैं बनू तू पतंग माहिया। दे जैसे मोती का बंधन एक दूजे को सब कुछ अर्पण, सीप के संग जैसे मोती का बंधन एक दूजे को सब कुछ अर्पण। प्रेम की बांसुरी को फिरोए नव्या, तुमने शाम से कुछ नहीं खाया है, ये लो कुछ खा लो। नव्या के कमरे से आवाज आई है, रिलैक्स, चलिए देख कर आते हैं। चलो, ये क्या तरीका है? सिर्फ तुमने उनको नहीं खोया है, मैंने भी अपने जियाजी खोया है, मेरी ताई ने अपना पति खोया है, और दादी। दुख सबको है पर सब जीने की कोशिश कर रहे हैं ना,
पहली बार तुम्हारी बहन को शादी करने में कभी कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। वो सब खुश हो रही होगी कि अच्छा वो बला डाली। नव्या, अगर दोबारा मेरी ताई की भावनाओं का मजाक उड़ाया था से बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना तुम। चले आप दोनों जाइए, मैं बिंदिया स्टाइल में जाकर कुछ करती क्या हुआ नव्या, कितना रो रही है बाबा? ओ एक बात बता, शुक की मौत के बाद से यू कैसे कैसे बदल गया? क्यों भीग रही हो मैडम? तो हम भी आ जाएं। भाई, हाँ भाई, तुझे पता है? हाँ भाई, मुझे भीगी बिल्ली का बहुत पता है। सही कहते हो। हाँ मैं ना। अरे कहाँ जा रही आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ रही हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए। ऐसा मत कीजिए। प्लीज प्लीज जाने दीजिए। अरे ये तो अभी से रोने लग गई। अरे मैडम, जरा मेरे पास तो आइए। रोना धोना सब बंद कर दूंगा। छोड़िए मेरा हाथ। और जो तुम्हारे पास जो सोना है ना, उसे भी लूट लूंगा। आपको सोना चाहिए ना, मैं आपको सब दे देती हूँ। चल निकल। चल निकाल निकाल जल्दी। अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। अभी एक और चीज बची है, मंगल सूत्र। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज, मैंने आपको सब कुछ दे दिया है। प्लीज मेरा मंगल सूत्र मत लीजिए। सुन, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज चुपचाप दे दे, नहीं तो हमारे पास लेने के और भी तरीके हैं, समझी? मैं आपको पायल भी दे देती हूँ।